तो दोस्तों ये है द ब्रांड न्यू Realme C31 जिसका बैटरी ड्रेन टेस्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। मैंने यहाँ पर फोन को फुल चार्ज करके स्विच ऑफ करके रख दिया है एंड यहाँ पे 5000 mAh बैटरी आपको मिल जाती है। बॉक्स के अंदर मिलता है 10 वॉट का चार्जर। टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें, देन यूनिसॉक T612 प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पे 4GB की रैम है, 64GB की स्टोरेज है। Realme UI का जो R एडिशन है, जो सस्ते फोन्स के लिए बनाया गया है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फोन ऑन हो रहा है, फोन ऑन हो चुका है। मैं जल्दी से आपको यहाँ पर पहले बैटरी स्टेटस चेक करा देता हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। सो वाईफाई इज कनेक्टेड और मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 5GHz वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता है, सो रिमेम्बर दैट एज वेल। 100% चार्ज है यहाँ पर और मैं ब्राइटनेस को कर देता हूँ फुल, थोड़ा सा एक्सपोजर को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ और जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड आई विल बी बैक। ओके गाइस, तो एक्सपोजर को मैंने एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो प्लेबैक के साथ। 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक हम करेंगे इस फोन पर, उसके बाद हम चेक करेंगे बैटरी स्टेटस। तो दोस्तों मैंने क्वालिटी को यहाँ पर फुल कर दिया है और लूप पे सेट कर दिया है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 घंटे के वीडियो प्लेबैक के साथ। 3, 2, 1 गो। तो दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक कंप्लीट हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं बैटरी स्टेटस फोन का। एंड यहाँ पे इस फोन में अभी बची है 74% बैटरी, तो 74% पर आ गई है इस फोन की बैटरी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम चलाएंगे, एज इन रिकॉर्ड करेंगे 1 घंटे की वीडियो 1080p 30fps। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, यप। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि कोई भी फ्लैश यहाँ पे ऑन नहीं है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा बम्प दैट यू आर सीइंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग 1 घंटे की और फिर हम चेक करेंगे बैटरी स्टेटस। 3, 2, 1 गो। तो दोस्तों 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर कंप्लीट हो चुकी है 1080p 30fps पर। चेक करते हैं बैटरी स्टेटस ऑन द Realme C31। देन 65% पर आ चुका है ये फोन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 65% बैटरी अभी यहां पर है इस फोन में एंड लेट्स मूव अहेड। बीच में इंटरनेट ऑफ हो गया था तो मैं दोबारा से इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। एंड जस्ट अ सेकेंड, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आएगा देन वाईफाई को हम ऑफ ही कर देंगे। आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क कैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं इंटरनेट वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम चलाएंगे एसफॉल्ट 8 और ये एक ऑफलाइन गेम है, हैवी ग्राफिक्स वाला गेम है। तो यहाँ पर हम इसे चलाएंगे 1 घंटे के लिए और चेक करेंगे बैटरी स्टेटस। तो दोस्तों यहाँ पर 1 घंटे का गेम प्ले कम्प्लीट हो गया है एसफॉल्ट 8 का। चेक कर लेते हैं बैटरी स्टेटस और यहाँ पे अब 51% बैटरी हो गई है ऑन द Realme C31। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम रन करेंगे बेंचमार्क्स Antutu Geekbench और 3DMark, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अब वाईफाई कनेक्ट करना होगा। तो जल्दी से मैं वाईफाई कनेक्ट करके फिर स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर वाईफाई को अब कनेक्ट कर दिया है और बैटरी स्टेटस मैं फिर से आपको चेक करा देता हूँ। 51% बैटरी बाकी है अभी Realme C31 में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेंचमार्क्स। और अगर Antutu का जो 3D बेंच वाला है वो मैंने शायद डाउनलोड नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड पर लगा देता हूँ। एंड ऑलराइट, आई थिंक ये इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल इसको करना बाकी है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो अब टेस्ट शुरू हो चुका है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेंचमार्क्स। तो दोस्तों 1 घंटे तक हमने बेंचमार्क्स चला दिए हैं इस फोन पर। चलिए अब चेक कर लेते हैं यहाँ बैटरी स्टेटस।
यहाँ पे अभी 35% बैटरी बाकी है ऑन द Realme C31, 35% बैटरी बची है। और बीच बीच में यार यहाँ पे वाईफाई जो है वो डिसकनेक्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है यहाँ पर, बट मैं दोबारा से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वाईफाई मैंने अब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और अब हम फिर से एक बार 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक करेंगे ऑन दिस फ़ोन और देखते हैं कि कितना देर चलता है ये फ़ोन। एज एन अगर बीच में डिस्चार्ज हो गया तो हम टाइम नोट करेंगे, और अगर नहीं डिस्चार्ज हुआ देन इसे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, 3, 2, 1 गो। दोस्तों 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चेक करते हैं बैटरी स्टेटस। तो यहाँ पे अभी इस फोन की बैटरी 11% पर पहुंच चुकी है। तो आधा घंटा और यहाँ पे इस फोन पे हम गेम प्ले कर लेते हैं। आधे घंटे मेरे ख्याल से यहाँ पे गेम प्ले करने के बाद एग्जैक्टली हमें टाइम पता चल जाएगा। बट यस, यहाँ पर 7 आवर्स का जो मार्क है वो क्रॉस कर लिया है यहाँ इस फोन ने इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड्योरेंस। सो अब हम यहाँ पे 1 घंटा गेम प्ले करेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं, 1 घंटा नहीं, एज एन हम देखते हैं यहाँ पर गेम रन करके कितनी देर ये फ़ोन टिक पाता है। अभी तो 11% बैटरी है यहाँ पे, एंड बाय द वे वाईफाई इज़ कनेक्टेड। बीच में शायद डिसकनेक्ट हो जाएगा बट कोई बात नहीं, गेम यहाँ पर चलता रहेगा। और स्टार्ट करते हैं गेम प्ले दोबारा, लेट्स सी कितनी देर तक टिक पाता है ये फ़ोन और एग्जैक्टली कितना एंड्योरेंस यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, सो गेम यहाँ पर क्रैश हो गया, मैं दोबारा से प्ले करता हूँ इसको। लेट्स स्टार्ट अगेन। सो गाइस, 7 आवर्स 18 मिनट्स के मार्क पर ये फ़ोन फुली डिस्चार्ज हो गया। सो हमें 7 आवर्स 18 मिनट्स का बैटरी एंड्योरेंस मिलता है ऑन द Realme C31। तो ये था दोस्तों बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑफ द Realme C31। हम आपसे मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर टैप कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।